पटाखे वगैरह सब लेके आ जानी है। तो गाइस यहाँ पे कल का व्लॉग एंड किया था, यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बाहर, गाड़ी में बैठ चुके हैं, एयरपोर्ट से आ गए थे, निकल गए थे बाहर और अभी गाड़ी में आए हैं। तो अंधेरा हो रहा है तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। और गाइस जयपुर में देखिए कितनी सुंदर लाइटें ही लाइटें, हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग नज़र आ रही है, क्योंकि आज है दिवाली। अभी तो छोटी दिवाली है आज तो, लेकिन कल बड़ी दिवाली हो जाएगी। तो ये देखिए गाइस पूरे जयपुर में लाइटिंग ही लाइटिंग नज़र आ रही है, और सारी दुकानें वगैरह सब लाइटिंग से भरी हुई थी, तो बहुत जगमगा रहा था पूरा जयपुर, और अच्छा भी लग रहा था गाइस यहाँ से हम लोग जा रहे थे। तो इसीलिए थोड़ा बहुत आप लोग को भी दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है पूरे दिवाली की धूम, जो कि तमिलनाडु में इतना कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर ये देखिए गाइस बच्चे जो हैं सो चुके हैं, यहाँ पर नींद आ गई, यहाँ पर सूर्य की डैडी को भी नींद आ गई है, सूर्य भी सो चुका है और भूमि भी सो गई है, तीनों मैं यहाँ पे जाग रही हूँ। और ये देखिए ये लोग गाड़ी चला रहे हैं गाइज, यहाँ पे ये दोनों जो है मेरे देवर लगते हैं और गाड़ी चला रहे हैं। और गाइज गाड़ी में जो है गाने बहुत ज़्यादा बज रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर रखा है पूरा। सूर्य यहाँ पर बहुत गहरी नींद में है, तो देखिए गाइज मेरे कंधे पर आ गया है ये। और फाइनली गाइज हम लोग देखिए पहुँच चुके हैं अपने गाँव, और ये है गाइज बस स्टॉप, इसको भी देखिए किस तरह से सजा रखा है। और बस गाइज अभी जा रहे हैं अंदर, तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए ज़्यादा व्लॉग में नज़र भी नहीं आ रहा होगा, कम नज़र आ रहा है। तो ये रास्ता रास्ता नज़र आ रहा है, तो ये गाइस गांव का रास्ता है जहाँ हम अभी बस अंदर एंट्री करने वाले हैं गांव में। सूर्या और बाबूजी दोनों देख रहे हैं कौन कितना लंबा है। और गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अभी फ़िलहाल, तो आ जाते ही यहाँ पर बनाए चाय। तो बस गाइस व्लॉग को यही पे एंड करूँगी। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस चूल्हे पे दूध बॉईल कर रहे हैं, इसीलिए गाइस ये थोड़ा सा धुआं धुआं हो गया, इसीलिए आंखों में पानी भी आ रहा है। तो बस गाइस गांव आ चुकी हूँ, और रात को आई थी तो रात को थोड़ा लेट हो गए थे, वैसे भी 2 बज गए थे आते आते, इसलिए रात को व्लॉग नहीं बनाया था। अभी सुबह उठी हूँ, बस चाय पी हूँ और अभी व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे जो भी काम होता है गाइस मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे नाश्ते में पोहे बना दिए, पोहे खा रहे हैं, खाने में गाइज यहाँ पे चावल बना दिए हैं, और यहाँ पे सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मसाला वगैरह कट कर रही हूँ, तो फटाफट से बनाऊँगी, किचन में ही हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये देखिए चावल बन के रेडी है, और यहाँ पे ये देखिए दाल बनाने की तैयारी। तो गाइस काम करके अभी किचन से अभी आई हूँ, तो यहाँ पे देखिए फैन भी ऑन कर रखा है क्योंकि गर्मी हो गई है। वैसे यहाँ पे सर्दी है लेकिन थोड़ी, अभी जब किचन से आते हैं तो आपको पता ही है गर्मी लगने लग जाती है, तो इसलिए मैंने फ़ैन ऑन करके बैठी हूँ। तो यहाँ पे आई हूँ दूध पीने के लिए, क्योंकि सासू जी हमेशा यहाँ पर आने के बाद सुबह सुबह दूध जरूर पिलाते हैं, तो वही दूध पी रही हूँ। तो अभी गाइस अभी दूध पी लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। नाश्ता तो सभी ने कर लिया, पोहे बना दिए थे तो सभी ने नाश्ता कर लिया है, और दाल चावल बना के मैं आ गई हूँ। और रोटी रोटी बनानी है, तो उससे पहले मैं नहाऊंगी, तो सभी नाना बाकी है, नहाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, तो रोटी बाद में बनाऊंगी, पहले नहाऊंगी। ठीक है, अभी थोड़ी सर्दी है वैसे, तो मुझे तो पसीने आ रहे हैं क्योंकि मैं किचन से आई, इसलिए बाकी ऐसे ठंड है, थोड़ा पानी भी जो है वो ठंडा ठंडा आ रहा है, वेट करके फिर नहाऊंगी, अभी नहाऊंगी नहीं। तो चलिए गाइस अभी मैं दूध पी लेती हूँ, और जैसे जैसे जो भी होता है गाँव में मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊँगी कि सामान ऐसे कैसे बिखरा पड़ा है। तो यहाँ पर गाइस मैं नहा धो के आ गई हूँ, तो यहाँ पर देखिए बाल बना रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बाहर जाना है, इसीलिए तैयार भी हो गई हूँ और खाना वाना भी बना दिया है। और बस गाइस अभी रोटी रोटी बनानी है, तो बच्चों के लिए सबके लिए बनाऊंगी। और बच्चे यहाँ पे देखिए बैठे हैं सभी, देखिए भूमि और ये सब बोल रहे हैं हमें भी चलना है, तो ये सभी तैयार होने के लिए। लेकिन ये देखिए सूर्या और बाबूजी यहाँ पे देख रहे हैं फ़ोन, इनको बोल रही तैयार हो जाओ। ये देखिए तैयार होके सभी बैठे हैं, अभी जाएंगे हम सभी मार्केट क्योंकि शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, सबकी ड्रेस लेके आएंगे और पटाखे वगैरह सब लेके आनी है। तो बच्चों को भी तैयार कर लिया है, तो अभी गाड़ी आने वाली है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का। और ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही है, दिख रही होगी आप लोग को, देखिए कैसे मस्ती कर रही है, बाकी भूमि मत कर। तो बस गाइस चलते हैं अभी मार्केट में, मिलते हैं आपसे। चलो
तो गाइज अभी सभी लोग रेडी होके खड़े हो चुके हैं और ये देखिए मम्मी जी हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं गाड़ी तक, क्योंकि हम लोग सब जा रहे हैं। मम्मी जी नहीं जा रहे क्योंकि दादी सा के पास भी रहना ज़रूरी है, तो मम्मी जी दादी सा के पास है और पापा, मैं, सोनिया के डैडी, ये सब जो है बच्चे सब जाएंगे मार्केट, क्योंकि गाइज दिवाली है आज, तो शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ये सब, मिठाई वगैरह लाने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए सूर्या भी आ गया है यहाँ पे। थोड़ बाग से दादी, तो यहाँ पे देखिए भूमि जो शू, मैंने बोला मैं पहना देती हूँ लेकिन बोली नहीं दाता ही पहनाएंगे। तो यहाँ पे गाइस सभी आ गए हैं, मैं मम्मी से बातें कर रही हूँ यहाँ पे खड़े खड़े, पूछ रही हूँ क्या क्या सामान लेकर आना है। तो मम्मी जी यहाँ पे मुझे बताते जा रहे हैं ये सामान लेकर आना है। तो बस गाइस फटाफट से अभी रवाना हो जाते हैं, फिर शाम को दिवाली भी है आज, तो शाम को पूजा भी करनी है, लेकिन अभी हम यहीं पर लेट हो रहे हैं क्योंकि बच्चे जल्दी से रेडी नहीं हो पा रहे इसीलिए। तो बस गाइस अभी फटाफट से पूजा का सामान भी लाना है, बच्चों को ड्रेस भी दिलानी है। तो गाइज़ गाड़ी तो मंगाई लेकिन गाड़ी में सीटें वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन चलिए फिर भी हमें जाना था, अभी अर्जेंट है तो गाइज़ हम लोग जा रहे हैं। गाड़ी सीटें पूरी फटी हुई थी, हम लोग बोल रहे थे कि ये कैसी गाड़ी है, बट कोई नहीं गाइज़ जाके सामान लेकर आना है, थोड़ी दूर जाना है इसलिए हम लोग इस गाड़ी में गए थे। बाकी ये गाड़ी तो अच्छी नहीं थी, बहुत ही ख़राब गाड़ी थी। ऐसे गाड़ी चलने में तो बहुत अच्छी, लेकिन सीटें सब फटी हुई पड़ी थी इसकी, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन चलो कोई नहीं, हमें सामान लेकर आना है तो ले आते हैं। भूमि और उसके दादा आगे बैठ गए हैं गाइज, और हम लोग बैठे हैं बीच में, बाबूजी गुड्डू, बाबूजी सूर्या और देवेंद्र, वो उन लोग को पीछे ही अच्छा लगता है, तो हमने बोला था आगे बैठ जाओ लेकिन बोलते नहीं हमें पीछे बैठना है। तो ये देखिए तीनों पीछे बैठे आराम से, सूर्या भूमि, सूर्या बाबूजी और देवेंद्र। और ये देखिए गाइज गाड़ी के आगे देखिए क्या आ गया है। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये देखिए पापा जी के लिए ड्रेस वगैरह ले रहे हैं सूर्या के डैडी, और हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं क्योंकि हम लोग पहले ही शॉपिंग वगैरह करके आ गए हैं, बच्चों की सबकी ड्रेस लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे पापा जी अपने लिए ड्रेस ले रहे हैं, सूर्या के डैडी अपने लिए ले रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर थोड़े बैठ के वेट कर रहे हैं उनका, क्योंकि ये जहाँ पर आए हैं सिर्फ यहाँ पर जेंट्स के कपड़े हैं, और बच्चों के मैं लेके आ गई थी, मैं लेने गई थी बच्चों के। और ये देखिएगा इस गाड़ी में बैठ गया है तो पीछे जो है बहुत सारा सामान है, तो बाबूजी खुश होकर नाच रहे हैं कि हमें तो पीछे ही बैठना है, मैं बोल रही हूँ आगे आ जाओ लेकिन वो नहीं मान रहे। आज पूरी गाड़ी जो है सामान से भरी हुई है, पीछे भी गन्ने वगैरह लिए हुए हैं और सामान जो बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, सब्जी वगैरह सब लेके रखी है, सब पीछे रख दिए। और यहाँ पे देखिए देवर की गाड़ी आ रही थी तो ये लोग वहाँ पे खड़े, सूर्या उनसे बातें करने में लगा हुआ है पीछे, और हम लोग यहाँ पर बैठ गए। तो यहाँ पर देखिएगा इस मिठाई वगैरह जो है हमें यहीं पर रखनी पड़ी क्योंकि गाड़ी पूरी भरी हुई है इसलिए जगह नहीं है सीटों के ऊपर भी। और यहाँ पे ये देखिए बाबूजी को, इनको सबको पीछे खाने के लिए दे दिया, तो ये बैठे बैठे खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके गन्ने के जो हैं ये पीछे, ये इनको थोड़े से चुभ रहे थे तो मैंने कहा कि इनको तोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि तोड़ते नहीं है, इनको पूजा करेंगे, गन्नों की पूजा होती है दिवाली के दिन इसलिए। तो ये देखिए यहाँ पर बैठे बैठे खा रहे हैं, पूरे दब गया है सामान के अंदर, इतना सामान लिया है यहाँ पर। तो ये लोग, लेकिन इनको बोला कि आगे बैठ जाओ लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम तो पीछे बैठेंगे, तो बच्चे पीछे बैठे हैं। और सूर्या जो है आगे आ गया था लेकिन फिर वापस पीछे चला गया था इनके साथ में, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हमारे पास बैठा था वो, क्योंकि अभी गए उधर पीछे नीचे बैठ के बातें कर रहा था अपने दोस्तों के साथ में, इसीलिए थोड़ा गाड़ी वाले भैया बोले जल्दी करो लेट हो रहा है। तो ये देखिए हमारे साथ में बैठ गया है। बस गाइस फटाफट से अभी रवाना हो जाते हैं घर के लिए, काफ़ी देर भी हो गई, जाके पूजा भी करनी है, तैयार भी होना है। तो ये देखिए गाइस आज बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि दिवाली के दिन गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ तो मैंने कहीं नहीं देखी, इतनी ज़्यादा कि हम लोग ड्रेस लेने के लिए हमें आधे आधे घंटे खड़ा रहना पड़ा था, वेट करना पड़ा दुकानों के ऊपर, तब जाके हमें ड्रेसें मिली थी। और उसके बाद जेंट्स वाली में भी भीड़ थी, तो गाइस आज पूरे मार्केट में भीड़ थी। चलिए पूरा फाइनली हम लोग पूरा सामान लेकर आ गए हैं, ये देखिए आ गए गाँव वाले स्टैंड पर। तो बस गाइस फटाफट से घर पर जा रहे हैं, और गाइस यहाँ पर तो गाइस बाज़ार से आ गई थी और आके अभी चाय बनाई है, और जो भी सामान है मैं आपको थोड़ी देर में पूरा सामान दिखाती हूँ जो भी लाई हूँ, और अभी बस आके चाय बनाई है, सबको चाय पकड़ाती हूँ, उसके बाद गाइस आपको पूरा सामान दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये देखिए गाइस इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं यही लेके आई थी बच्चों के लिए, तीनों बच्चों के सेम लेके आई थी, भूमि और गुड्डू के लिए अलग लेकर आई थी। और यहाँ पर गाइस मैं हो रही हूँ रेडी, तो ये देखिए ये है मेरी पोशाक, शादी वाली पोशाक है गाइज, लेकिन आज जो दिवाली पूजन है तो गाइज आज मैं अपनी पोशाक पहन कर ही पूजा करूँगी,
क्योंकि गाइज इसे चेन्नई में तो लेके नहीं जा सकती क्योंकि इसका घाघरा जो है बहुत ज़्यादा हैवी है, तो यहीं पे रहती है हमेशा। तो इस बार दिवाली पे आई हूँ तो मैंने सोचा चलो पहन के ही पूजा कर लेते हैं साथ में। गाइज तैयार हो रही है, तो ये है ज्वेलरी, आज ज्वेलरी भी पहन रही हूँ। तो ये है गले का जो कि मैं पहन रही हूँ, और यहाँ पर पहन रही हूँ मेरे कान के। यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मेरा व्लॉग जो है लेट आ रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज व्लॉग देखने के लिए, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज। कप ले है कि ले लो, नहीं तो शुरू कौन जा रही है, ठीक है जाओ।